लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि असल में पहुंचे हैं राकेश टिकैत और यहाँ फोटो वहीं के लिए ये माला वहीं डाल लेंगे वहाँ डाल लेंगे रायपुर ये माला वहीं रखो ना ना ये भाई कम ये वैभव देशवाल जी है वो कहीं साथी अपने पानी सामने अलग अलग ये रोड फोटो कर लो यहाँ से भाई साहब आजाद भाई साहब साथ हो जाओ ना पहुंचे हैं राकेश टिकैत किसान नेता साथ में राजीव रवि आजाद और लाइव तस्वीरें हैं जुड़िएगा ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों का शेयर भी कीजिएगा राकेश जी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ जी। तो क्या कहते हैं उसके बारे में दुखद घटना है लाठीचार्ज हो रही है एक आदमी की डेथ हुई शहीद हुआ है और सरकार बताएगी तो भाई लाठीचार्ज कर शहीद करोगे तो क्या होगा तो सरकार भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का यूज किया जाता है लेकिन सीधा जो है लाठीचार्ज भाई लाठीचार्ज जब उनका कमांडर कह रहा है कि भाई सिर फूटने चाहिए तो जब ऑर्डर सरकार की ये है कि सिर फोड़ने चाहिए तो भाई इनका जवाब ये जनता ही देगी। सब जो मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के और SDM के खिलाफ कार्रवाई की बिल्कुल ठीक लिखी होते हैं और लोगों को भी चाहिए ये तो एक आतंकी व्यस्तासा होगी कि अधिकारी इस तरह के को दे रहे और किसानों को खालिस्तान नहीं बता रहे तो असली तालिबानी जो सरकार है उनका कब्जा यहाँ पर होगा ये सरकारी तालिबान है इनका कब्जा हो चुका है देश में इनसे देश को आज़ाद करवाना शहर के बीचों बीच प्रोग्राम करवाया जाता कहीं और भी हो सकता था प्रोग्राम पूरे शहर को जो है बंद कर दिया गया था बिल्कुल जाम तो इंटेंशन ये दिखाने के लिए कि मैं आऊँगा और फिर प्लान पूरी उनकी आगे क्या रणनीति रहेगी रणनीति क्या रहती भाई सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ही होता है चौधरी इनकी इनकी लाठियां रहती है जनता का किसान का सिर रहेगा चौधरी साहब SDM को बताया जा रहा है सस्पेंड कर दिया गया है सस्पेंड तो क्या लग रहा है भाई डिसमिस करो और उसे पोस्टिंग दो अगर उसे करना तो वहाँ भेजो उसको छत्तीसगढ़ में हुआ सुकमा और इन स्टेट में नक्सली क्षेत्र मृतक को 25 लाख रुपये और घायल को 2-2 लाख रुपये लगता है सरकार देगी अब डिमांड करी है देना देने का तो इनको कुछ नहीं है किसान यूनियन की हेल्प करेगी सर कुछ जिन लोगों को चोट लगी है जिन लोगों को भाई हम तो सब साथ में ही टिकैत साहब 7 तारीख को सचिवालय घेराव का प्रोग्राम बनाया है किसान जो 5 तारीख में करेंगे बात मुजफ्फरनगर की जो रैली आपकी रैली है उसमें करेंगे नहीं करनाल का है सर ये 7 लाठीचार्ज के विरोध में 7 तारीख तो विरोध में तो है या रैली भी तो विरोध में ही है नहीं सचिवालय का घेराव का ये तो सारा विरोध ही तो है ना जो हो रहा है आप लोगों के माध्यम से बात जाती है तो ये विरोध ही है सारा क्या किसानों को क्या अपील करेंगे किसानों से एक शांतिपूर्ण है भाई सरकारों का दमनकारी नीति रहती है और व्यथाचार करे जितना करना हम तो सर वे सर फोड़ेंगे तो हम सर लगाएंगे उनका आगे आप फोड़ो आज कहाँ से पहुँच रहे हैं आज उनके घर पर जाएंगे जो लड़का शहीद हुआ किसानों ये तो भाई जब तक इस तरह की सरकारें रहेगी इस विचारधारा देश में रहेंगी ये तो होता रहेगा पुलिस प्रशासन का काम है देश की आज़ादी में गांव में ही लोग फांसी देते थे लेकिन कोई फांसी देने तक कोई आंदोलन थोड़ा रुका चुनाव तक तो लगता है कि ऐसा ही क्या पता चुनाव से कोई वो नहीं है देखते हैं संघर्ष है ये 12 बार की वार्ता के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला आपको क्या लगता है जब अगली बार वार्ता होगी तो कोई समाधान निकलेगा नहीं समाधान तो निकल जाएगा जिस तरह से ये बंदूक उठा ली सरकार ने लाठी बंदूक समाधान तो काट ही देंगे हम जो सर किसान है किसानों असंध के किसानों ने आरोप लगाया कि वहाँ पर 3 पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने असंध के किसी पूर्व विधायक का नाम लेकर के उनको पिटा है तो उस पर क्या कहेंगे सर पता नहीं ये जानकारी नहीं है रवि आजाद भी जो है साथ में क्रांति का एक युवा जो है लाइव तस्वीर ज़्यादा ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा रवि आजाद जो हम बातचीत करेंगे रवि जी अब तो निकल रहे हैं सिर्फ 2 मिनट जी तो क्या कहेंगे
जो किसानों के लाठी चार्ज हुआ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी टिकैत साहब ने सारा बताया इनके नेतृत्व में और टिकैत परिवार के नेतृत्व में और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 5 तारीख को मिशन उत्तर प्रदेश के लिए महापंचायत हो रही। बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, केवल देश के नहीं दुनिया के रिकॉर्ड टूटेंगे, महापंचायत होगी और मिशन उत्तर प्रदेश शुरू होगा। या तो सरकार बात सुने, नहीं तो फिर कड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी राकेश टिकैत जी और हम सारे जो है वहाँ पे जा रहे हैं, सुशील काजल जी जो पुलिस के लाठीचार्ज। अब युवा किसान नेता है जी, तो किसान युवा की क्या कितनी अहमियत जो इस आंदोलन में? इस आंदोलन में युवाओं ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, अपनी ताकत दिखाई और नींव है इस आंदोलन की, और मजबूती के साथ सरकार की गुंडागर्दी और दमनकारी नीतियों का सामना करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। आज कहाँ पहुँच रहे हैं? आज अभी रायपुर जा रहे, रायपुर जाटान, जहाँ हमारे सुशील काजल भाई शहीद हुए हैं उनके घर पे जी। और लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि इस समय राकेश टिकैत जो है असंत पहुँचे हैं और रायपुर जाटान पहुँचेंगे, जो कि किसान शहीद हुए हैं। तो लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा असंत अंचल हरियाणा और पाकिस्तान न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सभी साथियों से अपील की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।